press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi दोस्तों, एक नया जबरदस्त IPO आ रहा है जिसका नाम है RR Cable. इसके बारे में बहुत मार्केट में गर्मा गर्मी चल रही है, तो चलो इस IPO को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि भैया क्या इसको अप्लाई करना भी है या नहीं करना है, करेंगे तो क्या लिस्टिंग गेन मिलेंगे या कुछ लॉस हो सकता है, इस बारे में समझने की कोशिश करेंगे. और जैसा आप सब जानते हैं कि मैं अपने एनालिसिस के अंदर आप लोग को ये बताने की कोशिश करता हूँ कि भैया आपको लिस्टिंग गेन क्या मिल सकता है अगर आप इसको अप्लाई कर रहे हैं और कैसे आप खुद से IPO को एनालाइज कर सकते हैं. ठीक है, चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, ये जो IPO है, ये IPO है RR Cable का. ये करती क्या है, सबसे पहले तो देखिए ये 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बनाती है रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस के लिए. इट हैज टू ब्रॉड सेगमेंट्स, एक जो वायर बनते हैं ना घर के, जो तार वार होते हैं, इंडस्ट्रियल तार होते हैं, पावर केबल्स, स्पेशल केबल्स, ये और बाकी फैन, लाइट, स्विचेस, ये सारे चीजें भी ये कंपनी बनाती है RR Cable. तो इस कंपनी का IPO जो है वो आ रहा है. कब आ रहा है जरा वो देख लें. IPO डेट जो है यहां पे 13 सितंबर लिखा है, 13 से 15 सितंबर को इसका IPO आ रहा है. ओके, लिस्टिंग इसकी अप्रोक्सीमेटली 26 सितंबर को है, 26 सितंबर को इसकी लिस्टिंग होने वाली है. फेस वैल्यू 5 का है, ये मेरे को ना ओए होए पसंद नहीं आता. फेस वैल्यू मुझे कैसे भी 10 चाहिए, अगर 10 रहता है ना तो थोड़ा अच्छा रहता है. अगर आप 5-2-1 पे जाते हो तो मतलब उतनी ज्यादा लिक्विडिटी बढ़ जाती है मार्केट में, बट ठीक है. अगर आप 10 से 5 पे आ रहे हो तो मैं इसको ना एवरेज पकड़ के चलूं, बहुत अच्छा नहीं लेकिन एवरेज पकड़ के चलूं. प्राइस बैंड क्या रखा है, 983 से 1035 तक. तो आप सब जानते हैं कि अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको 1035 पे ही अप्लाई करना है. 14 शेयर्स मिनिमम आपको लेने पड़ेंगे अगर आप रिटेल में ले रहे हैं. तो कितना पैसा मार्केट से उठाना चाहते हैं, तो टोटल इश्यू साइज मतलब ये जो पैसा IPO आ रहा है इससे कंपनी कितना पैसा उठाना चाहती है मार्केट से, तो कंपनी उठाना चाहती है 19634, मोटा मोटी आप 2000 पकड़ लो यार, 2000 करोड़ जो है कंपनी मार्केट से उठाना चाहती है. चल अब इसमें कितने शेयर इश्यू कर रही है कंपनी, तो फ्रेश जो शेयर हैं कंपनी 180 करोड़ का फ्रेश शेयर इश्यू कर रही है. ओके, और ऑफर फॉर सेल, जो मैं हमेशा बोलता हूं, आप जब भी कोई IPO देखें वहां पे आप देखें कि ऑफर फॉर सेल क्या है. यहां पे आप देखिए ऑफर फॉर सेल 1784, यानी कि करीब करीब 1800 करोड़ का आपका OFS है. OFS मतलब जो प्रमोटर है या कोई ऑलरेडी एक्सिस्टिंग इन्वेस्टर है वो अपना माल निकाल रहा है, यानी कि 2000 करोड़ का पैसा आप ले रहे हो उसमें से 1800 करोड़ अपना माल जो है कोई आपको चिपका रहा है. गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, समझ रहे हो, कोई आपको भैया चिपका रहा है. क्यों चिपका रहा है, क्या है भैया, वो तो आगे मालूम पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ पे चिपकाया जा रहा है, अपना माल बेचा जा रहा है. तो यहाँ पे आपको हो जाना है सतर्क, जागो ग्राहक जागो. ओके, नाम पे बच जाइए, पेटीएम, LIC, नाम पे नहीं जाना है, काम देखो कौन चिपका रहा है आपको. ठीक है, बहुत बड़ा इशू जो है आपको चिपकाया जा रहा है. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई. थोड़ा सा ये देखिए, IPO ओपन डेट, क्लोज डेट हमने बात कर लिया. 21 सितंबर को आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, 22 सितंबर को आपको रिफंड आ जाएगा. ठीक है, और 25 सितंबर तक क्रेडिट डिमैट जो है आपके अकाउंट में आ जाएंगे और 26 को लिस्ट हो जाएंगे. सिंपल सी बात है, इतना तो क्लियर है. फटाफट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भैया
इसके फाइनेंशियल्स को एक बार जरा नजर उठा के देखिए। हमारे पास यहाँ पे मार्च 2020, 21, 22 और 23, 4 साल के इन्होंने अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट दिए हैं। तो अगर आप इसको देखें ना, मैं नॉर्मली रेवेन्यू पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। 2,505, 2,700, 4,000 अच्छा खासा जंप है, और उसके बाद 5,600 ठीक ठाक है। प्रॉफिट देखते हैं भाई, अगर 2,500 कमाया तो 122 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 2,700 जब रेवेन्यू हुआ तो 135 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 4,000 का जब आपका सेल हुआ, 4,400 का, तो 213 का आपका प्रॉफिट आया, चलो ये भी ठीक है। 5,000 का जब आपका सेल होता है, 5,600 का, तो आपका प्रॉफिट आ रहा है 189, यानी कि घट गया। आपका सेल्स बढ़ गया, आपने धंधा जो है वो बहुत ज्यादा कर लिया, लेकिन आपका प्रॉफिट कम हो गया, यानी कि मार्जिन कम हो गया। अब जरा समझते हैं ऐसा इस इंडस्ट्री में क्यों हो सकता है। ये कौन से इंडस्ट्री में है? ये वायर इंडस्ट्री में है। नाम इसमें कौन कौन से कंपनियां हैं, जैसे हैवल्स हो गया, केईआई हो गया, है ना, ये कंपनियां जो हैं इस इंडस्ट्री के अंदर है। तो ऑलरेडी जब ये कंपनियां मार्केट में हैं, पॉलीकैब हो गया, ये कंपनियां मार्केट में है, इसी सेक्टर में काम करती हैं, तो उनका ब्रांड नेम आरआर केबल से बहुत बड़ा है। तो अगर आरआर केबल को अपने आप को मार्केट में बेचना है, तो इसको अपने जो क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो दुकानदार हैं, उनको कमीशन ज्यादा देना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, कमीशन उसको ज्यादा देना पड़ेगा, तभी वो दुकानदार क्या करेगा, वो माल मार्केट में बेचेगा आपका, वरना वो आरआर केबल क्यों बेचेगा, वो हैवल्स बेचेगा, वो पॉलीकैब के बेचेगा, वो केईआई का बेचेगा। लेकिन अगर आप उसको बोलोगे भाई देख, अगर तू आरआर केबल का बेचेगा तो तेरे को हम लोग कमीशन ज्यादा देंगे, तो उसके लिए वो बेचेगा। तो आप मार्केट में अपने आप को इस्टैब्लिश करने के लिए, आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बिकवाने के लिए आप कमीशन ज्यादा दे रहे हो, सीधी सी बात है, आपके प्रॉफिट में उसका असर पड़ेगा और आपने वो देखा, ठीक है। चलिए अब जरा इसका डेट देखते हैं, मतलब कितना कर्जा है। 2020 में 395 का था, 21 में ऑलमोस्ट 500 हो गया, 22 में 521 हो गया, और 20 इस साल 515, मतलब हल्का सा इन्होंने कम किया है, ठीक है। तो यहां भी मैं इसको ओके ओके ही देखूंगा, मुझे कोई बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मार्जिन अफेक्ट कर रहा है। चलो अब जो पैसा उठा रहा है ये, उससे ये करेगा क्या? तो पैसा उठा रहा है तो देखो, उसके अंदर जो पैसा उठा रहा है ना यार, उसमें से 1,800 करोड़ जो है वो तो भैया पहले ओएफएस में चला गया, किसी जो इन्वेस्टर है उसकी जेब में चला गया। कंपनी के पास कितना आ रहा है? 200 करोड़। कितना? 200 करोड़ ही आ रहा है। उस 200 करोड़ में ये क्या बोल रहा है कि भैया मैं रिपेमेंट करूंगा, प्रीपेमेंट करूंगा, जो भी लोन है उसको हम पे करने की कोशिश करेंगे। अच्छी चीज है, इनकी नीयत है कि भैया ये पे करना चाहते हैं, लेकिन आपके हाथ में सिर्फ 200 करोड़ आ रहा है। तो अगर आप वो पूरा का पूरा उठा के भी डाल दोगे तो भी आपके 515 में से सिर्फ 200 ही जाएंगे, तो फिर भी आपके पास 315 बचे, अगर आप पूरा का पूरा डाल रहे हो। पॉसिबल नहीं है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है। तो मुझे ना ये एक केला दिखाई पड़ता है उल्लू बनाने के लिए, कस्टमर को उल्लू बनाने के लिए 515 करोड़ में से 50 करोड़ चुका देंगे या 15-20 करोड़ चुका देंगे और बाकी रख लेंगे, है ना। ये मेरे को थोड़ा सा हजम नहीं होता कि तुम क्या बोल रहे हो। एनीवेज चलिए आगे देखते हैं। इसके जरा रेशियोस को देखते हैं भाई। आरओई 14 का है, आरओसी 15 का है, डेट टू इक्विटी कम है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। रिटर्न ऑन नेट नेटवर्थ भी आपका 13.6 कम है यार, मतलब ज्यादा अच्छा नहीं है, मेरे को ज्यादा मजा नहीं आ रहा है इसको देखने में। अच्छा, इसको जरा एक बार इसके पीयर से कंपेयर कर लेते हैं, एक बार देखिए पीयर से कंपेयर करते हैं। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे देखिए
हैवेल्स, पॉलीकैब, केईआई, है ना, फिनोलेक्स, वी गार्ड, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, ये सारे कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है भाई मार्केट के अंदर, है ना। और इन सबके आप देखिए, मतलब रिटर्न ऑन नेटवर्क देखिए, काफी अच्छे हैं। हैवेल्स का 16 है, पॉलीकैब का 19 है, केईआई का 18 है, और बाकी जो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स का 15 है, ये सब ठीक ठाक है। आरआर केबल 13 है, ज्यादा मेरे को उसमें अच्छा नजर नहीं आता। लेकिन देखिए क्या है, हमारे यहाँ भी फेस्टिवल्स आने वाले हैं। आप प्रॉब्ली दशहरा आने वाला है, दिवाली आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, यहाँ पे बहुत सारी लाइटिंग होती है, तो घर के लिए आप बहुत सारी चीजें लोगे, है ना, तो वहां पे इनके धंधे को, बिजनेस को फायदा होगा। तो लॉन्ग टर्म में मुझे इसके अंदर फायदा दिखता है, बट ओवरऑल मुझे शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा सा डाइसी लगता है। मेरा मानना ये है कि इस आईपीओ को आप अवॉइड ही करें, ठीक है। मैं इस आईपीओ को बिल्कुल भी नहीं लेने वाला हूं, मैं इस आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूं। अच्छा, अगर आप रिस्की इन्वेस्टर हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और रिस्क लेना चाहते हैं लिस्टिंग गेन के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एक लॉट के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बुल मार्केट है। याद रखिएगा, ऐसे घटिया चीज भी, ये जो चीज है ना, ऐसी घटिया चीज भी बुल मार्केट में कभी कभी अच्छे प्रॉफिट दे जाती है। उसका ये मतलब नहीं है कि आपको इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, आप समझ रहे हो। तो कभी कभी खराब चीजें भी मार्केट में चल जाती हैं, बुल मार्केट की वजह से बहुत ज्यादा डिमांड हो जाता है, पब्लिक को पता नहीं होता और पब्लिक खरीद लेती है, तो उस डिमांड में आपको ये चीज मिल जाएगी। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो ही लें, अदरवाइज आप इसको लिस्ट होने दें, उसके बाद खरीदने की कोशिश करें। लिस्टिंग गेन आपको अगर हुआ भी, आई फील 10 से लेके 30% के करीब करीब आपको लिस्टिंग गेन मिलना चाहिए, करीब करीब। बहुत अच्छा बम्पर सब्सक्रिप्शन हो गया मार्केट में तो कुछ 40 तक चला जाएगा, अदरवाइज रिस्की है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, रिस्की है, ठीक है। किस्मत ने साथ नहीं दिया तो आपको हो सकता है लॉस भी देखने को मिल जाए, तो मैं इसको प्रॉपर रिस्की मानूंगा और मैं इसको बिल्कुल अप्लाई नहीं कर रहा हूं। और मैं अपने किसी भी स्टूडेंट्स को या सब्सक्राइबर्स को या व्यूअर्स को यही कहूंगा कि आप इसको सब्सक्राइब ना करें, जाने दे यार, कोई दूसरा आएगा उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग से फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।